ये सब है अभी हाल हमारा। जल्द ये है मेरा फुल लुक गाइस, हमारी फ्लाइट छूट जाएगी भाई। बहुत ही हरियाली वाला पहाड़ है और हम लोग आ चुके हैं हांगकांग। ये देखिए ये सुअर पेड़ मत देख यार, बहुत देख। फाइनली मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमारा रूम कैसा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी मैं जो बताने वाली हूँ ना आपको, कुछ सुनकर आप शॉक होने वाले, शॉक नहीं मतलब आपको अच्छा लगने वाला है कि मैं जाने वाली हूँ अपनी वेकेशन के लिए एक ट्रिप पे, जो है इंटरनेशनल ट्रिप। उस वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, अभी पैकिंग कर रहे हैं। फ्लाइट हमारी कल की है और पैकिंग भी नहीं हुई अभी तक, यानी कि बहुत सारी शॉपिंग भी नहीं हुई है मेरी तो, फिर भी है समरीन की बिल्कुल भी नहीं हुई है, ना काशिफ की हुई है। तो अभी मैं दिखाती हूँ क्या चल रहा है। गाइस ये देखिए ये हाल है। ये मैं कुछ चीजें भी आज लेकर आई थी मिनीसो से, कुछ जरूरी चीजें, ये सब है अभी हाल हमारा। जल्दी जल्दी में हमारा प्लान हुआ है तो इसलिए समरीन की शॉपिंग नहीं हुई। और मैं कपड़े खरीद के रखती हूँ पहले का, आपने देखे होंगे ये सब कपड़े मेरे पहले के ही हैं, तो मैं वो लेकर जाने वाली हूँ। ये सब कपड़े जो देख रहे हो ना, ये सब मैंने खरीद खरीद के जमा कर रखा था, ढेर सारा ढेर जमा कर रखा मैंने। और समरीन बेचारी ने आज जबरदस्त वो जल्दी जल्दी में दो तीन कपड़े लिए हैं, बस अब वहीं जाके शॉपिंग कर लेगी। काशिफ ने भी बस दो शर्ट लिया है ना, बस पैकिंग में भी समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या रखे वहाँ के हिसाब से। ये गई थी अभी सलून, और तुम्हारे साथ क्या हादसा हुआ बता दो। गई थी अपने नेल्स कराने के लिए जो कि नहीं हो पाया, और नेल्स भी नहीं हो पाया, मेरा हेयर कट तो मुझे चलो कल ही कराना था, ये आपको पता ही है कि इतने कम टाइम में ये सारी चीजें पूरी नहीं होती है। बस अब जल्दी जल्दी में जो भी हो सकता है वो कर लेंगे। अब कल सुबह उठ के हमें फटाफट से सलून जाना है, स्पा करवाना है, हेयर कट करवाना है, नेल एक्सटेंशन, वैक्स, ये सारे काम निपटाने हैं। काशिफ को भी हेयर कट कराना है और उसके बाद हम 5 बजे हमें यहाँ से निकल जाना है। तो अभी चलो पैकिंग कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, वरना टाइम भी नहीं है, अभी रात के बज रहे हैं कितने। चलो गाइस मैं मिलती हूँ आपको बाद में थोड़ी बहुत पैकिंग करने के बाद। गाइस अभी हो चुकी है सुबह और अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, और अभी हम लोगों को फौरन जाना है सलून क्योंकि अभी नेल आर्ट करवाना है और हेयर स्पा कराना है। और मुक्की को भूख लग रही है, क्या गंदगी हो जाएगी, देखो कैसे उसको भूख लगती है, कैसे करता नहीं, अपना खाना नहीं खाता, किटन वाला खाता है ये, उसको ऐसा लग रहा है कि हम लोग उसको देख नहीं रहे। पर गाइस मैं फुल रेडी हूँ और मैं आना हेयर स्पा कराने जा रही हूँ। जो मैंने घर में टी शर्ट पहन रखी थी ना, मैंने बस वही पहन ली है, तब कौन चेंज करेगा। आते ही मुझे मेकअप करना है, दोबारा एयरपोर्ट लुक बनाना है ना मुझे। मैंने सोचा था मैं एग्जैक्टली गेट रेडी भी करूंगी, अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं फटाफट जरूर करना चाहूंगी ये चीज, मैं करूंगी यार इंशाल्लाह। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि पहले ना सलून का काम हो जाए भाई, उसमें बहुत टाइम लगने वाला है, 3 घंटे जाने वाले हैं उसमें, अल्लाह हो जाए। 5 बजे हमें यहाँ से निकलना है और अभी 1 बजे ना, 1:30 मतलब बजी जाएंगे, 1:15 हो रहे हैं। कल जो इतनी मुश्किल से मेकअप का बैग तैयार किया था, उन्होंने फिर से इधर उथल पुथल मचा दिया है। वो कल मैं प्यारा सा 3 बार्बी का बैग लेकर आई हूँ, ये है छोटा वाला, एक और है वो भाई, तब प्यारा ये। मैं बहुत सारी चीज़ें बार्बी की लेकर आई हूँ, बार्बी का। आ चुके हैं सलून और सबसे पहले अभी हम लोग करवाने वाले हैं नेल्स, और मैं करवाऊंगी बैग्स, और फिर मैं यहाँ से भागूंगी कि दूसरे सलून में, और फिर मैं आऊंगी उसकी किसी से गाइज। मेरा अभी काम हो गया आधा, अब मैं जा रही हूँ अपना हेयर स्पा करवाने, मेरे बालों की हालत बहुत खराब हो रही है। अभी समरीन अपना नेल एक्सटेंशन करवा रही है, जब तक मेरा ये वाला काम हो जाएगा तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अभी 2:30 बजने वाले हैं, 2:30 बज चुके हैं समझो। गाइज अभी मेरा हेयर वॉश हो गया है और अभी स्पा का टाइम है भाई, जल्दी से हो जाए, मुझे घर जाना है, फिर मुझे रेडी भी होना है। मेरे बालों की हालत तो ठीक हो गई है, और बहुत ही ज़्यादा ठीक हो गई है भाई, ये देखो पहले कैसे थे और अब कैसा, और अब ये करवा रही हूँ जल्दी जल्दी। और फ्लाइट हमारी डिले भी हो चुकी है, अभी 10 बजे की फ़्लाइट थी, अब है 10:30 बजे की। इस अब मैं निकल रही हूँ और ये है मेरा फुल लुक, एयरपोर्ट लुक, इसका मैंने गेट रेडी विद मी भी बनाया है। जाते जाते आपको भी सफाई, बिल्कुल निकलने वाले थे अभी हम लोग, बिल्कुल रेडी। गाइस अम्मी देखो ऊपर से देख रही है हम लोग को, हम लोग बैठ चुके हैं अपनी अपनी ई रिक्शा पे, इसी से हम जा रहे हैं हांगकांग। हांगकांग जा रहे हैं गाइस, मैंने आपको बताया नहीं, हम लोग जा रहे हैं हांगकांग क्योंकि हम लोग है किंग कांग। गाइस हम बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं भाई, भीड़ देखो। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट और अभी पीछे से सामान निकल रहा है हमारा, और आज बहुत ज्यादा भीड़ है भाई, बहुत ज्यादा भीड़ है। मेरी जो मेहंदी लगी हुई है ना, अजीब सा लग रहा है, गंदा सा। नेल आर्ट करा के ना ज्यादा इतरा मत, वो क्या नजारा है भाई, फ्रेश लग रहा है वैसे हम लोग, है ना, क्योंकि आज ही सब कुछ करवाया ना हम लोगों ने, इसलिए फ्रेश फ्रेश लग रहे हैं, बहुत सही लग रहे थे हम दोनों। सामान लोडिंग, सामान लोडिंग, वाह क्या प्यार था दोनों भाइयों में। गाइस अब ये जा रहा है, टाटा बाय 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 बाय।
ओके ठीक है भाई, ये किस चीज की भीड़ है भैया। गाइस अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और मैंने ना अपने ट्रॉली पे ही रख दिया है फोन को। गाइस अभी हम लोग आ गए हैं चेक इन करवाने और बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे। देख लो भीड़ देख लो जरा कितनी ज्यादा है। एक घंटा लगेगा अभी ये काम करवाने में सारा। कुछ ज्यादा ही भीड़ है यार अभी के टाइम पे, पता नहीं क्यों। गाइस हमने चेक इन कर लिया है और मेरा बोर्डिंग पास भी मुझे मिल चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं इमिग्रेशन के लिए। तो मैं मिलती हूँ आपको इमिग्रेशन के बाद, क्योंकि वहाँ तो वीडियो शूट कर नहीं सकते। हाँ, चेक इन कराना बहुत ही मुश्किल का काम लगता है मुझे। ऐसा मन करता है कि ये सारे काम ना कोई करके दे दे मुझे और मैं फ्लाइट में बैठ जाऊँ। भूख इतनी जोर की लग रही है उससे अलग चिड़चिड़ापन हो रहा है। आ गए हम दिल्ली ड्यूटी फ्री में। भैया दिमाग खराब हो गया यार सिक्योरिटी चेकिंग में। अगर बच्चे किसी को शॉपिंग होती थी यहाँ से कर सकते थे, लेकिन फिलहाल निकलो यहाँ से। एक्स्ट्रा टाइम नहीं बचा हमारे पास, मतलब अब बस इतना टाइम लग गया। 3-4 घंटे से हम लोग सिर्फ यही चीजें करवा रहे थे। यहाँ पे हम पहले भी आ चुके थे ना, पैर की हालत खराब हो गई है सच में भैया। जबकि मैं पता है स्लीपर पहन के आई, मैं हील इसलिए नहीं पहन के आई थी क्योंकि मुझे पता था क्या होगा मेरे साथ। अभी मन तो कर रहा है ऐसा शॉपिंग करूं, पर नहीं हमारी अब हालत नहीं बची शॉपिंग वॉपिंग की। कोई बात नहीं, अब यहाँ जहाँ पे बैठ जाते कहीं पे हम। भाई पूरा अंधेरा हो चुका है। यहाँ पे जो खाने के लिए लाउंज बना हुआ है इसमें तो भाई दुनिया भर की भीड़ है। मुझे नहीं लगता हम लोग जा पाएंगे, इसमें लाइन में लगना पड़ेगा। वेस्ट हो गया वेस्ट। भीड़ देख लो भाई, भीड़ कहीं नहीं खड़ी होंगी मैम। फ्री की चीज खो दी हम तीनों ने भाई, मजे से बैठ के आराम से खाते पीते, जिस चीज के बारे में जितना सोचो ना वो होता नहीं है। गाइस अब हम लोगों ने सोचा कि भाई उधर तो हम फ्री का खाना नहीं खा सकते, जो हम लोगों ने बुक किया था। बुक नहीं था ना, एक बंदे का बुक था। असल में क्या है कि सभी के पास क्रेडिट कार्ड है और जितना हम लोग ट्रिक से सब बताते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है कि मैं और बहुत सारी टेक कम्युनिटी जो है वो इतना बताती है कि अब हर कोई इतना ज्यादा उसमें एक तरीके का ट्रैफिक हो। जब हम लोग दुबई जा रहे थे तब तो खाली भी था, 5-6 लोग थे बस। धीरे धीरे करके ना बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट ये रहेगा उसमें वेट करने से अच्छा है कि मैग्डी वैग्डी खा लो। मैग्डी वैग्डी और ना पहले आओ, बहुत के पास कोई जैसे बिजनेस क्लास है अमेरिकन एक्सप्रेस का हो गया या फिर अलग से यार। लेकिन मैं एक चीज बताऊँ, खाना कोई खास नहीं होता है। हमने जब दुबई के टाइम पे खाया था ना, नॉर्मल था सब कुछ, ओके ओके था। और किसी किसी चीज डोसा वोसा ये सब चीज बहुत नॉर्मल सा था, बस इसकी हाइप बनी हुई है कि चलो वेट करने गए ना तो एक बारी वेट को आराम से हम कहीं पे बैठ सकते हैं, खा भी सकते हैं। बस ऐसी मजे के लिए, वैसे टेस्टी नहीं होता कुछ भी फ्रूट्स के अलावा, बाकी तो कुछ खा नहीं। बाकी सब ड्रिंक्स व्रिंक्स लेते हैं, जो भी अल्कोहल होता है वो सब होता है, बाकी कोई फायदा नहीं। लेकिन पता है वो भी इतना अच्छा नहीं था, फ्रूट्स भी इतना अच्छा नहीं था, बदबू आ रही थी। सच बता रही गाइस, बदबू आ रही थी। पता है मुझे लगता है कि क्वांटिटी इतनी, पानी भले ही जितनी मर्जी ले लो, हमने खूब पानी लिया था कि दुबई में जाके पानी महंगा मिलता था तो हमने भर लिया था पानी। गाइस हमने खाने पीने में इतना लेट कर दिया कि हमारी फ्लाइट ना छूट गया। जल्दी जल्दी से भाग भाग के अब जाना पड़ेगा। बिल्कुल टाइम नहीं, मतलब टाइम ही नहीं मिला हम लोगों को हर चीज़ के लिए। 4 घंटे से हम लोग सिर्फ काम ही करवा रहे हैं बस भाग के जा रही है। मेरे हाथ में सामान देख लो गाइस, हमारी फ्लाइट छूट जाएगी भाई। अरे भाई फ्लाइट छूट जाएगी, 1 मिनट बचा है बस, और अभी 4 गेट और है। पागल हो रही है चल चल के मेरी सांस। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं और बैठ चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं और यहाँ पे पता है बहुत ज़्यादा शांति है गाइज। और ऐसी भागती भागती आई हूँ ना कि बस थोड़ी, बस सबसे लास्ट हम थे, मैं काशिफ और समीन सबसे लास्ट थे, बाकी सब बैठे थे, हमारा ही वेट था। चैन की सांस ली है, पानी पीऊँगी आराम से। अब बस इसके बाद 6 घंटे तक हमारा ऑफ रहेगा सब कुछ। 6 घंटे के बाद हम इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे हांगकांग। मेरी अम्मी तो भाई रोने लगी थी आने टाइम कि कैसे जा रहे हैं ये तीनों। चलो गाइज मैं मिलती हूँ आपको, दिखाती हूँ क्या क्या मिला है हमें। तो गाइज मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमें मिला है ईयरफोन और ब्लैंकेट मिले हैं इसमें, और वो भी देख सकते हैं जब तक जिसको देखना है। वैसे मैं तो सो जाऊँगी, तो बस ऐसे थोड़ी देर टेस्ट करने के लिए मैं करने वाली हूँ। गाइस हमारा खाना वाना हो गया है, पर भी बातचीत कर रहे हैं। समरीन को घुटन हो रही है यहाँ पे थोड़ी सी, मतलब गर्मी लग रही है उसको। मैं मुझे विस्तारा का ना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बाकी सारे फ्लाइट से बहुत ही अच्छा खाना लगता है। गाइस मैं सो के उठ चुकी हूँ, मेरी आँखों की हालत देख लो। और हम लोग पहुँचने वाले हैं यहाँ, तो हांगकांग में भाई सनराइज हो गया और इंडिया में सिर्फ और सिर्फ अभी 3:30 हुए हैं यहाँ सनराइज। मेरी तो हालत ख़राब है, लेकिन नींद अच्छे से पूरी कर ली है मैंने। गाइस अभी कुछ ना स्प्रे किया गया था, मुझे ऐसी छींक आई उस चीज़ से भाई, ऐसी एलर्जी हुई। और अब हम लैंड करने वाले हैं फाइनली। मेरे कान बंद है भाई।
गाइज इतना टाइम लगा है अभी क्योंकि हम लोगों ने वीजा लिया नहीं था, तो अभी हम लोगों को वीजा मिला है और यहाँ बज गए हैं सुबह के 6:30 या 7 बज रहे हैं और वहाँ के इंडिया के पता नहीं कितने बज रहे हैं। तो हम यहाँ से अब निकल रहे हैं, हो गया सब कुछ, अभी हम लोगों को सिम लेना है, कैश लेना है यहाँ का, उसके बाद निकल जाएंगे। और गाइज ये रहा सामान हमारा और थोड़ा सा सामान यहाँ टकरा जा। गाइज यहाँ जैसे मैं बाहर ही मैंने देखा कि भाई यहाँ तो माउंटेन है, वाओ निकलते ही मस्त व्यू मिलने वाला है यहाँ पे। एक पेपर हमें मिला था वो कहीं पे गिर गया, वो लेने गया काशिफ, दिमाग खराब हो रहा है सच में, बोर हो गई यार। आधे से ज्यादा दिन ना हमारा एयरपोर्ट पे गुजर गया, मतलब हम लोग सोचो प्लेन वाला काम कब से कर रहे हैं, शाम कल शाम 6 बजे से लेकर 12-15 घंटे से हम इसी में लगे हुए। और गाइज अभी यहाँ का वक्त हो चुका है 9 और 10:30 बस आएगी और हम ना अभी किसी आइलैंड पे है, हम हांगकांग में नहीं है, अभी एक आइलैंड पे है, वहाँ से हम जाएंगे हांगकांग और सी रूट है वो पूरा। डर लग रहा है, पानी से ऐसी डर लगता है भाई। तो सब मेरा मन कर रहा है मैं घर जाऊँ, मतलब होटल जाऊँ, मेकअप हटाऊँ, कपड़े पहनूँ, चेंज करूँ अपने और सो जाऊँ बस, उसके बाद उठूँ। वैसे मेरे डे वन का आउटफिट यही है गाइस, तो डे वन तो मैं इसमें ही घूमने वाली हूँ आज। इसमें पता नहीं कुछ गिर गया, वो साफ कर लूँगी मैं, फिर अच्छे से फोटो वोटो दिखाएंगे आपको। मैं अभी जाके अपने बैंग्स कट करूँगी थोड़े से, क्योंकि वो अभी सही से नहीं लग रहा होगा, तो ये आँख में आ रहा है ना पूरा, ये तो हाँ, तो ये कम से कम बीच का तो कट करना पड़ेगा ना, क्योंकि आंखों में चुभ रहा है ऐसे। गाइस फाइनली हम लोग बस में बैठ गए हैं और उसमें सिर्फ हम ही लोग हैं, क्योंकि इस होटल से और कोई था नहीं, और भी लोग थे पर वो उनकी दूसरे होटल से थे तो इसलिए वो लोग दूसरी बस में गए, पर मुझे सही लग रहा है यार, इतनी अच्छी सर्विस है इनकी। ये नया व्लॉगर अम्मी के बदले, मैं नया व्लॉगर हूं बट लेकिन एकदम डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। अब देखेंगे गाइस, भाई मैं एक चीज़ बताऊँ, यहाँ का मौसम ऐसा चिपचिपा है, ह्यूमिडिटी बहुत है, जैसे मुंबई में होता है ना मौसम, डिट्टो मौसम वैसा ही है। सामान देख लो कितना सारा है, तो हैंड लगेज मुझे बहुत गंदा लगता है, उसके साथ आपका कोई पार्टनर होना चाहिए, मेरी सीट खाली है मेरे पार्टनर के लिए, भर दूँ उसको है ही नहीं। गाइस क्या नज़ारा है यार, बहुत ही हरियाली वाला पहाड़ है और इधर समंदर है पूरा, नीचे पानी और पहाड़। गाइस ये दूसरा आइलैंड था, अब हम दूसरे में जा रहे हैं इसको छोड़ के। और ये जो रास्ता है ना पूरा, ये पूरा मकाओ की तरफ जाता है, मकाओ से कनेक्टेड है ये। सामान उठाओ गाइस, यहाँ की लॉबी देखो कैसे, ऐसा लग रहा है कि रोड पे ही बैठे हैं सबके साथ। गाइस अभी बस थोड़ी देर में हम चेक इन करके फिर चलते हैं रूम में। यहाँ का वेदर मतलब बिल्कुल मुंबई जैसा यार, चिपचिपा गंदा मौसम, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है। ये पता वहाँ क्या नाम है, मजनू की टीले में ऐसे ही कुछ होता है, देते चिट और लिखना पड़ता है उसमें। गाइस अभी हम लोग आ गए हैं खाने के लिए होटल में, मतलब कि होटल का अलग से एक कैफे है, प्रॉपर उसका नहीं है, अलग से है, और अलग ही वाइब है भाई यहाँ की, ऐसा लग रहा है साउथ कोरिया या चाइनीज जैसे होता है ना माहौल, बिल्कुल सेम वैसे ही हो। यहाँ की लड़कियों का ड्रेसिंग सेंस मैं बता नहीं सकती भाई, एक मंगवाना बस यार। गाइस अभी हम लोग अब खाने के लिए आ गए हैं, आप देख सकते हो सेटअप क्या है, मैं इसको बोलने वाली थी सेल्फी स्टिक। ये रहा गाइस अभी मेन्यू कार्ड हम देखते हैं, ये रहा, एक तो बड़ी मुसीबत है पोर्क वोर्क दे देंगे भाई, 720 का मोमोज देखते हैं बस कौन सा अच्छा लगता है। मोमोज नहीं बोलते हैं, हाँ क्या बोलेंगे हम, डम्पलिंग। हाँ हम कौन सा मंगवा रहे हैं गाइस, सब पे ना वो सिंबल बना है, ये मछली है, ये वेज है, मशरूम, ये देखिए ये सुअर, अभी सब हमें सिर्फ एक ही चीज, हमें ना सिर्फ एक ही चीज टेस्ट करना है आप ज्यादा नहीं। गाइस ये बोली पोर्क अंडा, पोर्क अंडा देता है, पिग अंडा देता है ये यार, ये इंडिया में अवेलेबल है क्या, क्या ऐसा लग रहा है कि ये है नहीं है। गाइस हम लोगों ने ना बड़े ही शान से ऑर्डर दिया डम्पलिंग्स का, चिकन डम्पलिंग्स, तो चल भाई खा लेंगे,
सीधा मना कर दिया उन्होंने, चिकन नहीं ओनली पोर्क। गाइस कल शाम 5 बजे से अभी हम लोगों ने हार धार के यहाँ पर हम लोगों ने सोचा है हम फ्राइड राइस हम ऑर्डर करने वाले हैं एग के साथ। इतनी तो जिद कर रखी है पोर्क खाऊंगी वरना कुछ और नहीं खाऊंगी। छिया छी मेरा तो दिमाग खराब हो गया। चलो देखते कैसा होता है टेस्ट। वैसे भी अच्छी वाइब तो नहीं आ रही यहाँ पे, हम बाहर ही खाया करेंगे यार। गाइस हम लोग इस रेस्टोरेंट में बैठ के इतना मजाक उड़ा रहे हैं इस जगह का और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे चाय नहीं है, सच में यूरिन है। ऐसे मत बोलो, कैसी चाय? ठीक ही है बस, चीनी भी नहीं दिया इन लोगों ने। अबे वो ये अंकल आंटी समझ में आता है इंग्लिश वर्ड। चाचा बोल एक तो खान चाचा छोटू चाय ना सदा तो मतलब सफेद मध्य गया बहुत ठीक पर जो भी है खाना पड़ेगा। हाँ भाई कौन पहले टेस्ट करेगा? तुम करो ना अरे कोई नहीं यार जमीन दुकान मेरे से नहीं खाया जाएगा। चले अम्मी की फ्राइड राइस याद आ गई। इंडियन खाना भैया, इंडियन खाने का इंडियन खाने का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये चावल गाइस मैं ना इससे खाऊंगी सेल्फी स्टिक से चॉपस्टिक। एक बार में सब उठा लो, मेरे से अकेले नहीं खाया जा रहा। अरे खाओ ना पूरा, अंडा तो अंडा लग रहा है भाई, चावल को वो नहीं लग रहा सबसे। गाइस मुझे तो अच्छा लगा। गाइस हमें हमारा रूम मिल चुका है और अब फाइनली मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमारा रूम कैसा है। मैंने तो देख लिया, मेरा रिएक्शन भी उस टाइम पे रिकॉर्डिंग हुआ, बहुत ही मस्त मिला है। टडाम। गाइस एंटर करते ही हमारे पास है एक मिरर और इसके बाद हमारे पास है ये वाला कॉर्नर जो भी होता है टी का, और इसमें सामान है या नहीं, खाली है ये। और फिर है इसके साथ हमारा लिविंग रूम जिसमें फ्रिज है। लिविंग रूम भी काफी अच्छा है। यहाँ का व्यू नॉर्मल है, पर जो ये व्यू है यहाँ का इधर से थोड़ा सा पहाड़ भी दिखता है, नॉर्मल है व्यू यहाँ का। बाकी ये स्टडी वाला कॉर्नर और यहाँ पर है हमारा ये बेडरूम ढंग 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 जिसमें हम तीनों ही रहने वाले हैं। और ये कबर्ड है और गाइस मेन चीज वो है ये व्यू, आपको अभी दिख नहीं रहा होगा शायद, पर यार बेस्ट व्यू है ये, पूरा रोड और पीछे पहाड़। तो रात में देखते हैं कैसी लाइट होती है यहाँ पे, सिटी लाइफ कैसी है वो देखेंगे। तो फिलहाल तो यही है, वॉशरूम दिखाती हूँ मैं आपको। ये है हमारा वॉशरूम। तो गाइस यही था हमारा रूम टूर और शुरू से लेकर अंत तक आपको दिखाया यहाँ पहुंचने तक। और आपको पता और हम लोग आ चुके हैं हांगकांग और देखते हैं कि यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा कैसा होता है। सामने से समुंदर भी भाई दिख रहा है, वो तो देखा ही नहीं मैंने। सही है, पहाड़ समंदर सिटी सब कुछ। तो गाइस मैं अब मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, इंतजार करना। और आपको हम ये ना यहाँ थोड़ा थोड़ा साउथ कोरियन जैसा वाइब आ रहा है, जापान जैसा, चाइनीज, ये सब एक ही जैसा होता है, तो ऐसी वाइब आ रही है मुझे यहाँ पे। तो गाइस अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में और बताती हूँ आपको कि यहाँ क्या क्या चल रहा है, सब कुछ दिखाऊंगी आपको। और मेन चीज यहाँ की शॉपिंग कैसी है वो भी देखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।